दोस्तों एचआईवी के ऊपर हम बहुत सारी वीडियो बनाते हैं, तो हमारा जो मकसद होता है वो है आपको नई नई जानकारी देना। एचआईवी के बारे में जो भी जानकारी आती है हम कोशिश करते हैं उसको आसान तरीके से आसान शब्दों में आप तक पहुंचाने। तो दोस्तों, और बहुत सारे लोग जो एचआईवी पीड़ित हैं, जिनको एचआईवी हो चुका है, दवाई खाते हैं, तो एक देखो हर इंसान एक उम्मीद पे है कि कब इसका क्योर आएगा, कब या फिर इसका वैक्सीन आएगा, कब ये एचआईवी जड़ से ख़त्म होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें, देखो हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो दिन और रात बहुत मेहनत करने लगे, इसी मेहनत की बदौलत आज से 20-25 साल पहले की बात करेंगे हम, जब किसी को एचआईवी हो जाता था, एचआईवी होने के बाद 10-15 से 20 साल के बाद उसकी मौत हो जाती, यानी कि अगर 20 साल में उसको एचआईवी हुआ है तो 40 साल से पहले पहले उसकी मौत हो जाती। उस टाइम पे भी दवाइयां आती थी, लेकिन आज के दिन साइंस इतनी तरक्की कर चुका है, एचआईवी अगर किसी को हो जाता है तो आपको डरने की बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एचआईवी की जो दवाई आती है जिसका नाम है ART, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, पहले भी एक वीडियो मैंने आपको बताया था, ये किसी संजीवनी से कम नहीं है। अगर इस दवाई को आप लगातार खाते रहते हो तो पूरी उम्र निकाल सकते हो। तो अगर किसी को एचआईवी हो जाता है, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, सिर्फ आपने क्या करना है, दवाइयां खानी, जो भी डॉक्टर बोलता है, समय के ऊपर आपने टेस्ट करवाने, हेल्दी डाइट लेनी है, एक्सरसाइज करनी है। बार बार हर वीडियो में यही बात बोलता हूं, कुछ नहीं होगा आपको, 100% कुछ भी नहीं होगा। अब एचआईवी जानलेवा नहीं है, याद रखना एचआईवी जानलेवा नहीं है, पहले जानलेवा था जानलेवा। और वैसे तो मैं एक बात आपको बताता हूं, एचआईवी से किसी की जान जाती नहीं है, जान जाती है जब एचआईवी एड्स में बदल जाता है। एचआईवी का मतलब होता है कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा वायरस आ जाता है जो हम खाना खाते हैं उसका आधा खाना वो खाना शुरू कर देता है। जैसे आपने सुना था ना रामायण के अंदर, बाली के सामने जो आएगा उसका आधा बल बायले के अंदर भी आ जाएगा, यानी उसकी ताकत आधी रह जाएगी। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जब एचआईवी वायरस आता है तो हमारी बॉडी की जो ताकत है वो आधी रह जाती है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि आधा खाना जो है, आधी पावर एचआईवी जो है वो खाना शुरू कर देता है। अब हमने अपनी पावर को, इम्यूनिटी को मेंटेन रखना, जितना हम रूटीन में खाना खाते हैं उससे तो हम मेंटेन रख नहीं सकते, तो एक्स्ट्रा क्या लेना पड़ता है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। वो काम क्या करता है, वो वायरस को सप्रेस करता है, दबाता है, दबा देता है। वैसे ही वायरस एक लेटेंट वायरस है, यानी कि ऐसा वायरस छुप जाता है। जब ये एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी चलती है तो वायरस हमारी बॉडी में सेल के अंदर जाके छुप जाता है, फिर जो आप खाना खाते हो आपकी बॉडी को लगता है, एचआईवी नहीं खाता उसको, बॉडी को लगता है। तो क्या काम करती है ART, वायरस को दबा के रखती है, ठीक है, यानी कि गला घोट के रखती है उसका। लेकिन जब भी आप इस दवाई को छोड़ोगे वायरस दोबारा जागेगा, नए रूप में जागेगा, हो सकता है आपकी ART काम करना छोड़ दे। तो दवाई आपने रेगुलर लेनी है, और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या नए अपडेट आए हैं एचआईवी के बारे में, ठीक है। एक ऐसा नेचुरल केमिकल कंपाउंड कुछ भी हो सकता है नेचुरल, जैसे मान लो कि कोई भी नेचुरल, जैसे आम है, पेड़ है, पौधा है, मिट्टी है, पत्थर है, कुछ भी नेचुरल कंपाउंड हो सकता है, उसको लेके उसको संशोधित करके शुद्ध बना के थोड़ा एडवांस बना के उसमें से एंटी एचआईवी प्रॉपर्टी निकाली है, यानी कि जो एचआईवी के खिलाफ होती जो चीजें वो निकाली हैं,
और ये कोशिश करके देखिए कि भी क्या ये एचआईवी के खिलाफ है, तो वो जो केमिकल थे वो एचआईवी के, वो प्रॉपर्टी एचआईवी के खिलाफ मिली है, यानी कि ये जो टेक्निक है ये कामयाब हो सकती है। अब एक वैक्सीन डेवलप करी है या फिर अंडर डेवलपमेंट लगा दो आप, ये क्या काम करती है? जैसे वैक्सीन आपने लगवा ली है, जिसको एचआईवी नहीं है, वैक्सीन लगवा ली है, वैक्सीन लगवाने के बाद फिर क्या होता है कि मान लो किसी के साथ आपका एक्सपोजर हो जाता है, यौन संबंध बना लेते हैं, फिर क्या होगा कि आपके अंदर एचआईवी तो आएगा, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो हमने वैक्सीन ले रखी वो हमारे इम्यून सिस्टम को, यानी कि जो हमारे एंटीबॉडीज होते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, जिसको एचआईवी मारना शुरू कर देता है, तो ये उसको रिपेयर करना शुरू कर देगी, क्योर करना शुरू कर देगी। जब हमारे एंटीबॉडीज ही नहीं मरेंगे तो वो आराम से बीमारी के खिलाफ लड़ सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और, टैक के नाम से टारगेटेड एक्टिवेशन ऑफ सेल किल, ये क्या काम करते हैं? ये ड्रग्स एचआईवी के द्वारा मारे गए जो सेल होते हैं, ये जो टैक के नाम से एक ड्रग्स बनाई गई है, एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स है, यानी कि दवाइयां हैं, काफी सारी दवाइयों की एक दवाई बनाई गई है, करती क्या है? वही काम जो एचआईवी सेल, एचआईवी जो वायरस है जो हमारी बॉडी में जो सेल उसको किल कर देता है, मार देता है, तो इसके द्वारा उसको रिपेयर किया जा सकता है। अब इसके बाद मैं एक और चीज बताऊंगा, अभी जो रिसर्च चली हुई है, रिसर्च पूरी भी हो चुकी है, लॉन्ग लास्टिंग एचआईवी ट्रीटमेंट, इसका मतलब ये है कि मान लो किसी को एचआईवी हो जाता है, जैसे आज के दिन एआरटी की दवाई रोज रोज खानी पड़ती है, तो इसमें रोज रोज खानी नहीं पड़ेगी। मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले लेनाकापावीर के ऊपर, जो कि साल में दो बार इंजेक्शन लगता है। तो ये कुछ दो ड्रग्स हैं, इस्लाइट्रावीर और लेनाकापावीर, इसमें क्या है, वीकली आप ले सकते हो, वीकली टैबलेट है, वीकली ले सकते हो, वो इंजेक्शन है, ये टैबलेट है, आप इसको वीकली ले सकते हो। अब आप डेली लेते हो तो वीकली ले सकते हो, और जब ये इंजेक्शन मार्केट में आसानी से उपलब्ध होंगे लेनाकापावीर के, आप 6 महीने में एक बार लगवाओ, 6 महीने के लिए फ्री हो जाओ, 6 महीने में एक बार ही लगवाना है। तो हमारे साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसके बाद मैं आपको जीपीएस लाइक वैक्सीन स्ट्रेटेजी, ये क्या है, शुरू में मैंने इसके बारे में बताया था, जीपीएस लाइक वैक्सीन स्ट्रेटेजी, जैसे आप गाड़ी में बैठ के जाते हो, ऊबर में बैठ के जाते हो, ओला में बैठ के जाते हो, आप बुक करवाते हो, आपके फोन में जीपीआरएस होता है, जीपीएस होता है, वो आपको गाइड करता है, तो ऐसी ये एक ऐसी वैक्सीन है जैसे मैंने पहले बताया था, हमारे इम्यून सिस्टम को गाइड करेगी कि एंटीबॉडीज बनाने के लिए, जब हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी हमारा शरीर, तो आसानी से हम एचआईवी के खिलाफ लड़ सकते हैं, हमारी बॉडी लड़ सकती है। दोस्तों अगर आपको ये अपडेट अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।